हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश किचन। आज हम बनाएंगे हेल्दी वेज ओट्स ऑमलेट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी होता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट होता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप दही के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। हेल्दी वेज ओट्स ऑमलेट बनाने के लिए हमें चाहिए ओट्स 1 कप, बेसन 1/4 कप, फाइनली चॉप अनियन 2 टेबलस्पून, फाइनली चॉप कैरेट 2 टेबलस्पून, फाइनली चॉप टोमेटो 2 टेबलस्पून, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न 2 टेबलस्पून, चॉप ग्रीन चिली 1 पीस, चॉप ग्रीन कोरिएंडर लीव्स 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून या स्वादानुसार, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, ये टोटली ऑप्शनल है, ऑयल 1 टेबलस्पून, पानी लगभग 1 कप। सबसे पहले मिक्सिंग बोल में ओट्स डालें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसे 2 मिनट के लिए सोख होने के लिए रख दें। इससे ओट्स सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें बेसन डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसकी जगह सूजी भी डाल सकते हैं। अब इसमें प्याज, गाजर, टमाटर, कॉर्न, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालें। आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम और फ्रेंच बीन्स भी डाल सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अभी ये थोड़ा थिक है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और साइड में रख दें। अब एक नॉनस्टिक पैन को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लें। अब इसमें 1 टीस्पून तेल डालें, थोड़ा सा ओट्स का बैटर डालें और इसे पूरे पैन में स्प्रेड कर दें। अब पैन को 2 से 3 मिनट के लिए ढक दें। अब इसका ढक्कन हटाएं और इसकी साइड को टर्न कर दें। इसमें थोड़ा सा तेल लगा दें। पैन को वापस से कवर कर दें और 2 मिनट के लिए पकने दें। अब ढक्कन हटाएं, इसकी दोनों साइड्स को बीच बीच में टर्न करें। इसे तब तक पकाएं जब तक कि ये हल्के गोल्डन कलर का हो जाए। लीजिए, हेल्दी वेज ओट्स ऑमलेट तैयार है। इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लें। बाकी बचे हुए बैटर से भी इसी तरह से ऑमलेट तैयार कर लें। इसे गर्मा गर्म दही के साथ सर्व करें और इसके मजे लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।